दोस्तों, इंसानी तारीख बहुत सी जालिमाना और बेरहम सजाओं से भरी पड़ी है। ज़माने कदीम के लोग हर वो मुमकिन कोशिश करते जिससे किसी मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। तो दोस्तों, आज हम तारीख में होने वाली ऐसी ही चंद सजाओं के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप उठे। मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। ब्रेजन बुल। दोस्तों, ब्रेजन बुल या फिर सिसिलियन बुल को कदीम यूनानियों ने ईजाद किया था। इस पीतल के बने बैल के अंदर मुजरिम को डालकर बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। उस जलते हुए शख्स की चीहों की आवाज़ बैल के मुंह से बाहर निकलती थी। ये आग उस वक्त तक लगी रहती थी जब तक कि इसके अंदर मौजूद इंसान भुन कर मर गया हो। इम्पेलमेंट। दोस्तों, मिडल एजेस के दौरान किसी को नेजे पर चढ़ा देना ना सिर्फ आम था बल्कि बहुत मशहूर भी था। ये खौफनाक सजा गद्दारी या फिर रियासत के खिलाफ जुर्म के इल्ज़ाम में मुजरिम को दी जाती थी। क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। दोस्तों, कदीम हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में सजाए मौत के मुजरिम को हाथी के नीचे कुचल देना एक मशहूर तरीन तरीका था। हाथियों को कुछ इस तरह ट्रेन किया जाता कि वो अपने शिकार को फौरन कुचल कर मार डालते, या फिर कभी कभार हाथी मुजरिम को तड़पती मौत देने के लिए सिर्फ इतना वज़न डालते कि उनकी हड्डियां टूट जातीं और फिर वो धीरे धीरे मरते। रेप्ड बाय व्हिप्ड एनिमल। दोस्तों, कदीम रोमी सल्तनत में लोग थिएटर को बहुत पसंद करते थे और इससे बेहतर मंजर उनके लिए क्या होता कि किसी शख्स को जंगली जानवर अपना शिकार बनाकर मार डालते हों, और अगर मुलजिम कोई औरत होती तो उस पर ऐसे जानवर छोड़े जाते जिन्हें रेप करने के लिए ट्रेन किया गया होता, और वो तब तक उसका रेप करते जब तक कि वो मर ना जाए। और इस सजा की पहली मुर्तकिब मुजरिम एक पेशावर कातिल औरत लोकस्टा दी सोर्सरेस थी। सॉर्ड इन हाफ। दोस्तों, कदीम दौर में सजाए मौत के मुजरिमों को आरी से दो टुकड़े करके मार दिया जाता था। सजाए मौत का ये अमल रोमन एम्पायर, स्पेन और एशिया के दीगर इलाकों में इस्तेमाल होता रहा। इसी तरह की एक और सजा ये भी थी जिसमें एक जिंदा शख्स के पेट को काट कर उसके औज़ा को बाहर निकाल दिया जाता जिससे वो तड़पते हुए मरता था। पनिश्ड बाय द रैक। दोस्तों, रैक एक मशहूर तरीन अजियत नाक मौत देने वाली डिवाइस थी जिसे लकड़ी के फ्रेम में बनाया गया था। मुजरिम के हाथों पाँव को चेन से बांध दिया जाता और रोलर्स की मदद से उन्हें उस वक्त तक खींचा जाता कि जब तक कि वो जिस्म से अलग ना हो जाएं या फिर हरकत करना छोड़ दें। इस मेथड को ज़्यादातर मुजरिम से एतराफ़ करवाने या फिर किसी जासूस से मालूमात निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बर्निंग एट द स्टेक। दोस्तों, कदीम ज़माने के लोगों में सजाए मौत देने का एक आम तरीका उन्हें ज़िंदा जला देना था। ये सज़ा सिर्फ उन्हें लोगों को दी जाती थी जिन पर गद्दारी या फिर जादू करने का इल्ज़ाम होता था, और ये सज़ा सरेआम दी जाती थी ताकि देखने वालों के दिलों में ऐसे जराइम करने का खौफ बैठ जाए। यूजिंग रैट्स टू किल। दोस्तों, चूहों के ज़रिए लोगों को अजियत देना आज तक सजा देने का एक मशहूर तरीन तरीका है, मगर पुराने वक्तों में चूहों के ज़रिए मौत दी जाती थी जिसे रैट ट्रैप कहा जाता था, जिसमें चूहों को एक पिंजरे में डालकर मुजरिम के जिस्म के साथ जोड़ दिया जाता था और पिंजरे के पिछली तरफ को गर्म कर दिया जाता ताकि चूहे गर्म हरारत से बचने के लिए मुलजिम के जिस्म को खाते चले जाएँ ताकि वो अपने लिए रास्ता बना सकें, और यूं चूहों को तो रास्ता मिल जाता मगर उस शख्स को तड़पती हुई मौत देते। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की तारीख में दी गई चंद सख्त तरीन सजाएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले।